जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञान अतिविरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहम श्रीगुरु श्रीरुतात्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदैतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जो चल रहा है अध्याय, कौन सा अध्याय चल रहा है? 16। अभी अध्याय चल रहा है 16वां। ये 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक है आज। 16वें अध्याय का जो टाइटल है, जो इसका शीर्षक है, क्या है किसी को पता है? इसका शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। दैवी मतलब देवताओं की तरह और आसुरी मतलब असुरों की तरह। देवता कौन होते हैं? जो कि भगवान की बात मानते हैं वो देवता होते हैं, भगवान के नियम कानून को मानते हैं। असुर कौन होते हैं? असुर मतलब जो सुर नहीं है, मतलब जो भगवान की बात को नहीं मानता है वो असुर है। ठीक है, इस अध्याय में इसी चीज़ की विवेचना की गई है कि दैवी तथा आसुरी स्वभाव हम कैसे पता कर सकते हैं, मतलब कौन सा स्वभाव दैवी है और कौन सा स्वभाव आसुरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये श्लोक का उच्चारण करता हूँ। ये बोर्ड अभी सामने बोर्ड पे जो है वो 16वें अध्याय का 24वां श्लोक लिखा हुआ है, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। ठीक है, तो मैं इस श्लोक का उच्चारण करूंगा, आप लोग भी मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं। श्लोक इस तरह से है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणम् ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसका तात्पर्य इस प्रकार है, तस्मात् इसलिए, शास्त्रम शास्त्र, प्रमाणम का मतलब है प्रमाण, ते मतलब तुम्हारा, कार्य कर्तव्य, अकार्य निषिद्ध कर्म मतलब जो कर्तव्य नहीं है, व्यवस्थितो तो निश्चित करने में। व्यवस्थित मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी भी चीज़ को उसकी निर्धारित जगह पर रखना, मतलब व्यवस्थित करना। ठीक है, तो मतलब क्या कार्य है और क्या अकार्य है, मतलब क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, ये पहचानना, इसको बोलते हैं व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञात्वा मतलब जानकर, शास्त्र
शास्त्र का विधान, मतलब विधान. अब एक विधान हम लोग हमेशा सुनते हैं, जैसे विधानसभा. विधानसभा में क्या होता है? देश का जो विधान है वो बताया जाता है. तो शास्त्रों का भी विधान है वो तो जो विधान है, जो विधानसभा, वो तो किसी एक देश के बारे में बता सकता है, लेकिन जो शास्त्रों का विधान है वो पूरे ब्रह्मांड पे लागू होता है. फिर उक्तम मतलब कहा गया, कर्म कर्म, कर्तुम करना, इस संसार में अर्हसि तुम्हें चाहिए. इसका जो अनुवाद है इस प्रकार है, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है. उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके. ठीक है, इसे बताते हैं कि मनुष्य को, जो भी मनुष्य है, तो जो भी मनुष्य, उसको क्या जानना चाहिए, शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है हमारा और क्या अकर्तव्य है, मतलब क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, ये जानना जरूरी है. जैसे हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी कॉरपोरेट कंपनी में अगर जॉब करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ के, मतलब वहाँ क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है. ठीक है, वैसे ही जब हम इस संसार में रह रहे हैं तो हमें शास्त्रों के आधार पर ये पता रखना जरूरी है, मनुष्य योनि में होते हुए, कि क्या चीज़ें हमारे लिए है और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है. ठीक है, उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर, पहले विधि विधानों को जानना है, उसके बाद कर्म करना है. ठीक है, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके. ऊपर उठने का क्या मतलब है? कि उसकी चेतना धीरे धीरे जो है वो एडवांस कर सके. हम बोलते हैं ना एडवांसमेंट, तो ये एडवांसमेंट का ये तरीका है, असली एडवांसमेंट का ये तरीका है. हमें पहले विधि विधानों को जानना है, उसके अनुसार कर्म करना है, तभी हम एडवांस कर पाएंगे. ठीक है, अब देखिए नॉर्मल डेज में हम ये चीज़ें अप्लाई भी करते हैं. जैसे हमें कोई स्टेज परफॉर्मेंस देना हो, या फिर हम कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, हमें प्रमोशन चाहिए, तो क्या करते हैं, हम वहाँ के विधि विधानों को जानते हैं, उसके हिसाब से कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा प्रमोशन हो जाता है. तो प्रमोशन वर्ड सुन के बड़ा अच्छा लगता है. तो यहाँ पे ऊपर उठने का मतलब क्या है? प्रमोशन. मनुष्य योनि में है, उससे ऊपर की योनि में जा सकते हैं. अगर कोई तमोगुण में है तो उससे तमोगुण से रजोगुण में जाएगा, फिर रजोगुण से फिर सतोगुण में जाएगा. ठीक है, इसका ये क्या, इसका मतलब क्या है? हम ऊपर उठ रहे हैं. ठीक है, तो इसका जो तात्पर्य है, तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, वो इसमें बताते हैं तात्पर्य को कई अलग अलग तरीके से. सबसे पहली बात ये कि जो वैदिक जो विधि विधान है, इनको जानना क्यों जरूरी है, है ना, कि वैदिक विधि विधान जान के क्या करेंगे हम, हमारे लिए क्यों है वो. तो सबसे पहली बात है कि जब ये सृष्टि की रचना की गई, तो इस सृष्टि में रहने के लिए क्या नियम कानून होने चाहिए, उसके लिए मैनुअल दिया गया है. ठीक है, और वो मैनुअल क्या है? वेद. वो मैनुअल कैसे आया? बोलते हैं तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे, मतलब भगवान ने स्वयं जो है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया वेद को. ठीक है, तो वेद में हर तरीके का ज्ञान है. आपको कैसा भी ज्ञान चाहिए, संगीत का ज्ञान चाहिए, आपको फिलॉसफी चाहिए, आपको सांख्य फिलॉसफी चाहिए, सांख्य योग की चाहिए ज्ञान चाहिए, योग का ज्ञान चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ वेद में मतलब सन्निहित है. ठीक है, आप अगर ज़्यादा किसी भी चीज़ पे रिसर्च में डिटेल में जाओगे तो पता लगेगा कहीं ना कहीं उसका ज्ञान वेदों से जुड़ा हुआ है. ठीक है, चाहे वो कोई हर्ब्स हो, कोई मेडिसिन हो, या फिर कोई भी तरह के फिलॉसफी हो, मेटाफिजिक्स हो, व्हाटएवर, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन वेद से जरूर जाएगा. ठीक है, तो अभी हमारे सामने कई सारे जो है वो अलग अलग राइटर्स की बुक्स आती है, जिसमें हम जब कोई चीज़ की नॉलेज चाहिए होती है तो हम राइटर्स की बुक ले लेते हैं और पढ़ते हैं. ठीक है, पर आपको ये भी जानना होगा कि वो राइटर्स ने वो बुक लिखी कैसे है, तो वो खुद बताएंगे. अब एक राइटर ऐसा कह रहे थे कि हमारी बुक्स ज़्यादा इसलिए बिकती है क्योंकि इंडियंस जो है भगवद्गीता नहीं पढ़ते, क्योंकि हमने सारी चीज़ें तो भगवद्गीता से ही निकाली है, तो इसलिए हमें, मतलब हमें तो अपने शास्त्र पढ़ने चाहिए. मतलब उन्होंने भगवद्गीता का एक श्लोक लेकर के उसकी पूरी बुक बना दी और वो हम पढ़ते हैं, पर यहाँ तो पूरी भगवद्गीता हमारे सामने है. ठीक है, तो इसमें बताते हैं कि पहली बात तो ये बताते हैं कि शास्त्र को जानना क्यों जरूरी है. ठीक है, उसके बाद ये बताते हैं किस व्यक्ति के बारे में ऐसा हमें समझना चाहिए कि वो शास्त्रों को ऑलरेडी जान चुका है. ठीक है, तो ऐसा बताते हैं प्रभुपाद कि जो व्यक्ति भक्ति के कार्यों में लगा हुआ है, जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब समझा जाना चाहिए कि ऑलरेडी वो शास्त्र पढ़ चुका है. अब कैसे समझे इसको? जैसे किसी इंसान के पास मान लो 1,000 रुपये हैं, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, उसके पास 10 रुपये तो है ही, उसके अंदर ही आ गया. ठीक है,
तो वैसे अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू कर दिया किसी ने, तो ये समझा जाता है कि वो ऑलरेडी वेदों का ज्ञान उसको है, वो वेदों का जो निष्कर्ष है वो समझ चुका है। वेदों का निष्कर्ष क्या है, तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं, वेदों में बताते हैं, वेदेश सर्वे अहम एवं वेद्यो, मतलब कि वेदों का क्या उद्देश्य क्या है, मुझे जानना है। तो जो मुझे जान गया है, मुझे जानने का मतलब जो मेरे भक्ति के कार्य में लगा है वो एक तरह से वेदों का ज्ञाता है, ठीक है। तो भक्ति के कार्य में लगना या भक्ति करना, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसमें बताया है भक्ति के लिए क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, तो बहुत सरल कर दिया भक्ति हमारे लिए। जनरली किसी से हम मिलते हैं तो अगर उनको भक्ति के बारे में बताते हैं तो सीधा सीधा ऐसा पूछेंगे, अच्छा इसके लिए हिमालय जाना पड़ेगा? तो भक्ति हिमालय में नहीं है, ऐसा नहीं भक्ति के लिए हिमालय जाना पड़ेगा। तो अब हो सकता है वो सतयुग की बात कर रहे हो कि उस वक्त लोग तपस्या करते थे, या फिर कोई कहता है फिर तो बहुत सारा यज्ञ करना पड़ेगा, फिर तो वो भी नहीं करना, फिर तो नहीं तो फिर तो बड़े बड़े मंदिर होने चाहिए, फिर उसमें मतलब फिर शुद्ध घी होने, कुछ तो शुद्ध है नहीं, भगवान को क्या भोग लगाए, तो वो भी नहीं। तो बोल नहीं, सबसे आसान उपाय क्या दिया गया, इसलिए महाप्रभु ने बोला है केवल हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, सबसे पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें भक्ति में सेवा करनी है। भक्ति में सेवा जैसे कि क्या हो सकती है, भक्ति में सेवा जैसे कोई भगवान के लिए हार बनाते हैं तो वो सेवा है, जैसे कोई मंदिर का मार्जन करते हैं, सब मंदिर में क्लीनिंग करते हैं, तो वो भी क्या है, भक्ति में सेवा है, ठीक है। तो इस तरह से ये भक्ति में कार्य है, ये भक्ति में सेवा है। तो एक तो हो गया हरे कृष्ण महामंत्र का जप, दूसरा है भक्ति में सेवा, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, अर्च विग्रह को अर्पित भोग उसका उच्चिष्ट लेना, मतलब कि हमें प्रसाद ही लेना चाहिए सिर्फ, जो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो खाओ वो पहले भोग लगाओ। अब प्रसाद लेने का ये मतलब नहीं सिर्फ मंदिर में ही प्रसाद मिलेगा, हम प्रसाद अपने घर पे भी बना सकते हैं। कैसे, आप जो भी खाओ उसका भोग लगाओ, आपके लिए प्रसाद तैयार है। और भोग किस चीज़ का लगाना है, जो भगवान खाते हैं, तो भगवान क्या खाते हैं कैसे पता लगेगा, फिर से शास्त्र पढ़ना होगा उसके लिए। क्या बताते हैं भगवान भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम मतलब पत्ते, पुष्पम मतलब फूल मतलब फ्लावर्स, फलम मतलब फ्रूट्स, ठीक है, तोया मतलब वाटर यानी कि जल। तो ये सब चीज़ भगवान खाते हैं, इनसे बनी हुई जो भी चीज़ है उन सब का भोग लग सकता है, ठीक है। तो इनमें से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग लगाइए और आप खुद भी लीजिए और उसको वितरण भी कीजिए इसका, ठीक है। तो एक तो ये हो गया अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट लेना। तो इसमें एक श्लोक भी आता है, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय, मतलब कहते हैं जो यज्ञ का अवशेष जो लेते हैं, मतलब जो प्रसाद लेते हैं, वो धीरे धीरे सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इतना इंपॉर्टेंस है प्रसाद का कि जो भी लेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अब हम देखते भी, हमें बहुत सारे भक्तों के बारे में पूछते हैं कि आप कैसे भक्त बने, तो कहते हैं प्रसाद से भक्त बने, कुछ अच्छा नहीं लगता था, बस प्रसाद अच्छा लगता था। तो ऐसे बहुत सारे भक्त मिलते हैं जो कि ये बात बताते हैं कि हम भक्त बने प्रसाद की वजह से, प्रसाद से इतना अट्रैक्शन हुआ। तो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल सकता है, जो जैसे कि हम कई सारी चीज़ें खाते हैं खुद के टंग को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलना चाहिए वो प्रसाद से ही मिल सकता है सिर्फ, ठीक है। अगर आप भगवान का प्रसाद रोज टेस्ट करते हो तो अपने आप ही आपको पता लगेगा कुछ समय बाद कि ये सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो तीन चीज़ें बताई महाप्रभु ने क्या क्या, एक तो महामंत्र का जप करना है, दूसरा भक्ति में सेवा करनी है, ठीक है, तीसरा सिर्फ प्रसाद ही लेना है। तो इसमें अब ये तो शास्त्र का इंजंक्शन है, शास्त्र में ये बताया गया है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और फिर भक्ति में सेवा करनी चाहिए या फिर प्रसाद लेना चाहिए। चलो तीनों में से कोई एक ही, प्रसाद को ले लेते हैं, हमें सिर्फ प्रसाद लेना चाहिए यानी जो भी खाएं उसका भोग लगाएं। तो यहाँ पे ऐसा भी कहते हैं कि ये एक तरह का ये शास्त्र के में लिखा हुआ है तो हमें इसे फॉलो करना है, ठीक है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम कौन से स्वभाव में चले जाएंगे, तो इसमें ऑलरेडी लिखा है वो चीज़, ठीक है। तो ये तो इसमें तो ये बता दिया कि भक्ति में जो मतलब यहाँ पे ये हम डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं ये समझना चाहिए कि वो पहले से ही सारे वेद पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद तो फिर सब वो सारे वेद पढ़ लिए तो वेद किसके लिए, फिर
तो यहाँ बता रहे हैं जो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं उनको तो वेद को रेफर करना ही चाहिए, ये जानने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें. ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये अभी बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ना. बड़े से बड़े मतलब लोग भी जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फेल हो जाते हैं, जब कोई ऐसी कंडीशन आती है तो डिसीजन नहीं ले पाते क्या करना चाहिए. ठीक है, तो अब इसमें अगर हम अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं का भी एग्जाम्पल है, जैसे महात्मा गांधी, इस भगवद गीता के पीछे भी लिखा है, पीछे भी शायद बताते थे, पहले लिखा था कि महात्मा गांधी बताते थे कि मुझे, मैं किसी समस्या में पढ़ता हूँ तो क्या देखता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ, मुझे उस समस्या का समाधान मिल जाता है. ठीक है, तो मतलब वो भी ऐसा बताते हैं और हमेशा वो करते भी थे, इस चीज़ को प्रैक्टिस हमेशा ही करते थे. जब भी किसी समस्या का समाधान होता, समस्या आती थी तो उसका समाधान भगवद गीता से ढूंढते थे. अब जैसे अब कोई बच्चा बोलेगा सर, जैसे कि 365 प्लस 263 इसका सोल्यूशन भगवद गीता मिलेगा, अब कोई, अब ये एक थोड़ा सा नास्तिक जैसा क्वेश्चन है, 365 प्लस 263 इसका सोल्यूशन भगवद गीता मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, इसका भी सोल्यूशन भगवद गीता में है, कैसे है. इसमें इसमें आखिरी में बताया जाता है, जब भी हमें ज्ञान चाहिए तो हमें किसको अप्रोच करना चाहिए, गुरु को. तो यानी अभी जो हमें डाउट हुआ, किस में डाउट हुआ, मैथ्स में, तो किसको अप्रोच करेंगे, मैथ्स के गुरु को. ये चीज़ तो यहाँ बता दी गई ना. ठीक है, तो इस समस्या का समाधान हो गया, अब आप मैथ्स के गुरु को अप्रोच करो, आपका समाधान हो जाएगा. ठीक है, अब लेकिन अब कोई कहेगा कि ये हमें क्यों नहीं समझ में आया, तो जब सब कुछ हमें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा तो फिर टीचर की ज़रूरत क्या है. इसलिए शास्त्र को समझने के लिए हमें एक शिक्षक की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं साधु, है ना, जो शास्त्र को फॉलो करते हैं, वो बताएंगे शास्त्र को कैसे समझते हैं. एक छोटी सी फिजिक्स या छोटी सी केमिस्ट्री को समझने के लिए हम इतने सारे टीचर्स लगा देते हैं, एक एक टॉपिक के एक एक टीचर्स होते हैं. तो इतना बड़ा शास्त्र जिसका पूरा ब्रह्मांड का शास्त्र, उसको समझने के लिए एक टीचर तो चाहिए कम से कम. डायरेक्ट पढ़ के कैसे समझ सकते हैं, एक तो इसमें संस्कृत है, और कई सारे लोग की शिकायत होती है संस्कृत समझ में नहीं आती, फिर उसमें हिंदी है, शुद्ध हिंदी बोलना मुश्किल है हमारे लिए, या फिर कई लोगों के लिए बेसिकली. तो समझने के लिए टीचर की ज़रूरत तो पड़ेगी. ठीक है, तो इसमें हर चीज़ का सोल्यूशन है. अगर आपको ये समझ, अगर आप किसी को ये डाउट हो कि हमें दान कहाँ देना चाहिए, दान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो इसमें भी लिखा है तीन तरह के दान होते हैं, एक सत्वगुण में दान, रजोगुण में दान, तमोगुण में दान. कहाँ पे दान देने से हमारा नुकसान है, कहाँ पे दान देने से हमारा भी, लोगों का, सबका नुकसान है, और कहाँ पे दान देने से सबका फायदा है. ठीक है, फिर दूसरा चीज़, किस तरह की चीज़ हमें खानी चाहिए, किस तरह की चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए. जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी करना यानी पढ़ाई करना, ये एक सत्वगुण का कार्य है. ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT की, मेडिकल की, व्हाटएवर. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई करना एक सत्वगुण का कार्य है. दिमाग बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए जब भी हम पढ़ाई कर सकते हैं. तो बैलेंस होने के लिए हर चीज़ खा के बैलेंस नहीं रहा जा सकता. कोई सोचेगा हम बहुत चटपटा मसालेदार खाएंगे और बैलेंस भी रहेंगे, हो ही नहीं सकता. ठीक है, जैसे कई कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे स्वीट्स खा लेते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं तो नींद आएगी, स्वीट्स खाने से बहुत स्ट्रेस भी आता है, और पेरेंट्स और उनको जो है प्रेम से खिला भी देते हैं. तो लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि सत्वगुण में, उसको सत्वगुण में आना है उस पढ़ाई को करने के लिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें ली जाए जो कि उसको सत्वगुण में लेकर आती हो. तो क्या क्या हो सकता है, एक तो खाने की कोई ऐसी चीज़ हो जो सत्वगुण में लेकर आती हो उसको. तो सत्वगुण में क्या खाते हैं वो इसमें जो श्रद्धा के विभाग जो चैप्टर है उसमें लिखा है कि सत्वगुणी लोगों का भोजन कैसा होता है. ठीक है, दूसरी चीज़, सत्वगुणी लोग कैसे सोचते हैं वो भी लिखा है इसमें. तो हम ये भी चेक कर सकते हैं सत्वगुण में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. ठीक है, फिर सत्वगुण के लोग कैसे व्यवहार करते हैं. अब अर्जुन कई जगह पे क्वेश्चन पूछते भी हैं कि ये बताइए कि जो ज्ञानी मनुष्य है वो किस तरह से व्यवहार करते हैं. तो आप अपने आप पता कर लोगे कौन ज्ञानी है कौन नहीं है. तो उसे बताते भगवान, जो ज्ञानी मनुष्य है वो हर किसी को समान दृष्टि से देखता है. समान दृष्टि से कैसे, अब समान दृष्टि से देखने के बाद कुछ लोग ये कह देंगे, अच्छा समान दृष्टि से देखना है तो ऐसा करते हैं कि बिल्ली भी समान है और इंसान भी समान है, तो बिल्ली को भी गले लगा लेते हैं, उसको भी घर में रख लेते हैं. नहीं, समानता का ये मतलब नहीं है. समानता शरीर के स्तर पर नहीं देख रहे, समान कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर परमात्मा कॉमन है ना, और हर एक व्यक्ति जो है वो परमात्मा का ही अंश है.
हर एक जो हर एक व्यक्ति हर एक जीव जो है परमात्मा का अंश है. जैसे कि कई बार हम सिटीजन्स के लॉ पास करती है गवर्नमेंट कि सिटीजन्स के लिए ये लॉ आ गया, ठीक है. तो जनरली देखा जाता है वो लॉ सिर्फ किसके लिए होता है, सिर्फ इंसानों के लिए होता है. क्या वहाँ के जानवर उनके सिटीजन नहीं है? वो भी तो सिटीजन है. तो इससे हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो मतलब ये बताते हैं जो ज्ञानी मनुष्य है वो क्या देखता है, हर किसी को बराबर नज़र से देखता है. उसके बाद इसे बताते हैं फिर योगी कौन होते हैं, तो भगवान उसका भी डेफिनेशन देते हैं. योगी कौन है देखो, युक्ताहार विहारस्य, जो जो है मतलब कि बैलेंस तरीके से रहता है वही योगी है. जो ना ज़्यादा सोता है ना कम सोता है, जो ना ज़्यादा खाता है ना कम खाता है, वो योगी है, भगवान बताते हैं इसमें, ठीक है. तो अब मतलब कहने का मतलब ये, आप जो भी सोचोगे आपको आंसर मिलेगा इसमें, ठीक है. अगर आप आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप किसी जो योग्य व्यक्ति उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है. इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, कैसे बताएं. अच्छा, तो मैं पहले क्या बता रहा था इसमें, जैसे सतोगुण में आना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर तरह का जो है खाद्य पदार्थ है, कुछ उस तरह के सोच रखनी पड़ेगी ना, कुछ उस तरह के लोगों का संग करना पड़ेगा. तो वैसे ही जैसे कि कोई व्यक्ति मिलिट्री के प्रिपरेशन कर रहे हैं, मिलिट्री के प्रिपरेशन एक बिल्कुल अलग चीज़ है, उसमें बहुत रजोगुण चाहिए, या युद्ध में जा रहे हैं बहुत रजोगुण चाहिए, तो हमें ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी जो रजोगुण बढ़ाती हो. युद्ध नहीं होगा नहीं तो फिर वो सामने से गोलियां चल रही होगा, हम प्रणाम कर रहे होंगे कि नहीं हमें नहीं लड़ना. तो मतलब ये वहाँ पे तो वैसा गुण चाहिए, रजोगुण चाहिए, तो हमें ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी जो रजोगुण क्रिएट करती हो. ऐसी चीज़ नहीं लेनी कि नींद आ जाए कहीं वहाँ पे, ठीक है. और फिर वैसे ही जब मान लो कि सोने जाना है, तो सोने जा रहे हैं तो एक तमोगुण का कार्य है. अब सोने वक्त किसी ने ऐसी चीज़ ले ली जिससे बहुत एनर्जी बढ़ गई तो नींद ही नहीं आएगी उनको. कई लोगों को नींद नहीं आती, सोने से पहले ऐसी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, कैसे नींद आएगी. तो मतलब सोने से पहले हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि थोड़ा मतलब पीसफुल एटमोसफेयर हो जाए, देन वी कैन स्लीप ईजिली, ठीक है. तो इसमें ये सारी चीज़ें हमें भगवद्गीता में इन सब का ज्ञान मिलता है ना, कि कौन से गुण में हम कैसे जा सकते हैं, ठीक है. कौन किस तरह की चीज़ें खाएं, किस तरह के लोगों का संग करें, कैसा वातावरण बनाएं ताकि हम इन गुणों में जा सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है. तो वही बात इसलिए बता रहे हैं, जो सामान्य लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे उनको तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. जो भक्त होते हैं वो पहले से ये चीज़ें जानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो तो पढ़ते हैं भगवद्गीता, भक्त भगवद्गीता पढ़ेंगे, ठीक है. तो अब इसमें बताते हैं शास्त्र. अब शास्त्र के बारे में समझते हैं, जैसे कि अब एक शब्द है शास्त्र, एक शब्द है शस्त्र. तो शस्त्र तो सिर्फ जो है शरीर को नष्ट कर दिया है, शरीर को कष्ट पहुंचा सकती है, शरीर को बदल सकती है, चेंज कर सकती है, लेकिन जो शास्त्र है वो हृदय परिवर्तित कर सकता है. इतनी पावर है शास्त्र में. तो कई बार हम कहते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे ये मानता क्यों नहीं मेरी बात, कैसे मानेगा? आप उसका हृदय परिवर्तित करो तो मानेगा. तो हृदय परिवर्तित करने के लिए हम शस्त्र का यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए शास्त्र का यूज़ करना पड़ेगा. इसलिए ऐसा कहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही शास्त्र की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं देंगे तो शास्त्र के हिसाब से नहीं चलेगा, फिर आगे जाकर असुर बनेगा, वो खुद भी परेशान होगा, दूसरों को भी परेशान करके आपकी तो कभी बात नहीं मानेगा, ठीक है. तो किसी का हृदय परिवर्तित करना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ेगा, शास्त्र का सहारा लेना है, शस्त्र का नहीं, ठीक है. शस्त्र से तो हम जो है वो किसी का महल जीत सकते हैं, देश जीत सकते हैं, किसी का हृदय नहीं जीत सकते. हृदय जीतने के लिए शास्त्र चाहिए, ठीक है, शास्त्र, ठीक है. तो अब इसमें बताते हैं कि अब जैसे देखते हैं कई लोग को हम देखते भी हैं शास्त्र पढ़ते हुए दिखते हैं, कई लोग एक अलग तरीके का शास्त्र है ना, जो हर किसी के हाथ में होता है. शास्त्र में लिखी भी ऐसी चीज़ें होती है, सीखना क्या है मतलब समझ में नहीं आता. मतलब उसमें लिखा होता है कि 10 ये वाली ट्रेन एक्सीडेंट कर गई, 20 लोग मारे गए, 5 लोग घायल हो गए, अभी मुख्यमंत्री जी जा रहे देखने के लिए, ये वाला शास्त्र पढ़ते. अब इसमें सीखेंगे क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा, सीखेंगे क्या इसको देख के, ठीक है चलो ठीक है 20 लोग मारे गए तो फिर हम क्या 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 कर सकते हैं उसमें, या फिर करते क्या है लोग, क्या करते हैं? ऐसे हाथ में चाय की मतलब चाय का कप होता है तो बोलते हैं अच्छा 10 लोग मारे गए, चलो एक कप चाय लाना. 10 लोग मारे गए, एक कप चाय पी रहा है, 10 लोग मारे गए तो उनके परिवार को आप सांत्वना दो जाके, तब तो कहें कुछ कर रहे हो आप. या फिर कहते हैं, या फिर देखें कि चलो 20 लोग घायल हैं, तो घायल है मतलब बचने की अभी उम्मीद है, कहीं फंसे होंगे कुछ होगा, तो फिर अब उसमें फिर से चाय पी रहे, एक पकौड़ा भी ले आना, 10 लोग मारे गए, 10 लोग घायल भी हुए हैं, अच्छा पकौड़ा ले आना, तो घायल हुए तो पकौड़ा क्या जरूरत है इसमें. तो मतलब ये थोड़ा ऐसा है कि मतलब हम पढ़ तो रहे हैं कि 10 लोग मारे गए और 20 लोग घायल हुए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर,
हम ना कुछ करने को तैयार है उसके लिए, मतलब किसी के ऊपर नहीं, सब लोग पढ़ लेते हैं फिर मजे से सोचते हैं अरे मंत्री ने कुछ किया ही नहीं, फिर उधर से न्यूज़ में भी आते हैं मंत्री महोदय जा रहे हैं अभी जो है अवलोकन कर रहे हैं। केरल में अभी कुछ समय पहले बाढ़ आई थी बहुत भयंकर, शायद कुछ समय अगस्त के महीने में लगभग, तो अब उसमें बताते थे न्यूज़ में बता रहे हैं बहुत सारे लोग डूब रहे हैं बाहर जहाँ तहाँ टूटा फूटा पड़ा है, पुल वुल टूट गया, सड़क टूट गया, सब टूट गया। फिर उसके बाद बता रहे मुख्यमंत्री जी अभी आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से अवलोकन करने के लिए। अब क्या अवलोकन करेंगे कितने सारे लोग मारे गए क्या नहीं हो गया, अब अवलोकन करने आ रहे हैं तो मतलब, और लोग इसको अच्छे से पढ़ भी रहे, मतलब कि अवलोकन करने आ रहे हैं कि दिखाने आ रहे हैं हम कुछ करने आ रहे हैं, क्या है वो, क्या रहा है, तो मतलब ऐसी चीज़ों को पढ़ के हम क्या सीखेंगे, कैसे क्या कुछ सीख पाएंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे, और उल्टा हम डर लगेगा हमें क्योंकि बाढ़ आ गई वहाँ तो मतलब, और अगर हमारा कोई परिजन वहाँ फंसा होगा तो और डर लगेगा कहीं उसको कुछ ना हो गया हो, ठीक है, या फिर हमने कहीं हत्या का मर्डर का सुन लिया तो और डर लगेगा, मतलब ये सब चीज़ें डराने के लिए है सुबह सुबह। और आप देखोगे न्यूज़पेपर देने वाला न्यूज़पेपर देता भी कैसे है, वो घुमाता घुमाता फेंकता जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कल का कचरा है और आज फेंक जा और फेंक के आ रहा है, और हम लोग सब उस कचरे को मतलब सब लोग जो बाहर के लोग हैं सब दिन भर उस कचरे को अपने हाथ में लेके पढ़ते रहते हैं, वो कल का कचरा ही है किसी काम का नहीं है, हो गया वो सब, थोड़ी बहुत काम की बातें होती है वो तो खैर वैसे ही पता लग जाता है, नहीं तो अदरवाइज तो कल का कचरा ही है सारा जो हमारे घर में फेंक गया, जब भी तो फेंक के दिया ना उसने, नहीं तो आके रिस्पेक्ट से देता ना, फिर फेंक के गया और हम पढ़ भी लेते हैं, और भगवत गीता कोई प्रेम से भी हाथ में दे तो लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, टाइम नहीं इतना, कचरे के लिए टाइम है अच्छी चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये एक दूसरा शास्त्र है जो कि जिसने इसने क्या किया सारे शास्त्र की जगह ले ली है, इस वजह से लोग किसी के पास समय नहीं है शास्त्र पढ़ने का, और हर तरह की नेगेटिव चीज़ें दिमाग में भर जाएगी, अगर आप नेगेटिव चीज़ें पढ़ोगे तो ऑब्वियस है कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी। लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, अरे कैसे बी पॉजिटिव, उसके लिए कुछ पॉजिटिव पढ़ना भी तो पड़ेगा, हम मर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, हत्या के बारे में पढ़ रहे हैं और वो बाढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या पॉजिटिव क्या आएगा दिमाग में, कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें वही बताते हैं, तो ये एक ये शास्त्र है, तो इस शास्त्र को नहीं पढ़ना है हमें, इस शास्त्र को पढ़ना है जैसे कि भगवद गीता, ठीक है। तो अब इसमें बताते हैं कि अब शास्त्र में अब ऐसा क्या है कि शास्त्र को पढ़ें हम, मतलब कि तो सब बताते हैं जो शास्त्र में है कि त्रुटि नहीं है किसी भी तरह का, दोष नहीं, जो चार मुख्य तरह के दोष जो बद्ध जीव में पाए जाते हैं, जैसे जीवात्मा के अंदर बद्ध जीव जो आत्मा जिस भौतिक जगत में है जो चार दोष पाए जाते हैं, वो शास्त्र में वो चार दोष नहीं है। जैसे चार दोष कौन से, पहली बात है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां जो है वो परफेक्ट नहीं है, है ना, जैसे कि हमारे हाथ, अब आप क्या करोगे जैसे दोनों हाथ लो और दोनों हाथों को एक हाथ को गर्म पानी में डालो, बिल्कुल गर्म पानी में, एक हाथ को ठंडे पानी में डालो, ठीक है, तो अब ठीक है आपको एक हाथ से क्या महसूस होगा, गर्म, और दूसरे हाथ से क्या महसूस होगा, ठंडा, ठीक है। अब दोनों हाथ को निकाल कर गुनगुने पानी में डालो, ठीक है, तो क्या होगा, जिस जो हाथ गर्म वाले पानी में था उसको लगेगा कि ठंडा लग रहा है, उसको ठंड महसूस होगी, और जो हाथ जो है वो ठंडे पानी से आया उसको लगे उसको गर्मी महसूस होगी, मतलब शरीर हमारा ये हाथ हमारा एक महसूस कर रहा है वही पानी ठंडा है और दूसरा हाथ महसूस कर रहा है वही हाथ पानी जो वही पानी जो है गर्म है ना, तो मतलब हमारी इंद्रियां कितनी ज़्यादा मतलब इम्परफेक्ट है, मतलब बता ही नहीं पाएंगे कि जो मतलब पानी गर्म है कि ठंडा है, ठीक है। तो ये मतलब हमारी इंद्रियां इसलिए क्या है जो परफेक्ट नहीं है, पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ हमारे अंदर थोड़ी सी कपटता भी होती है लोगों के अंदर, जैसे कि जैसे बिजनेस डीलिंग्स में थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है तो थोड़ी कपटता भी होती है, चीट करने की टेंडेंसी, थोड़ा सा रिजल्ट आया थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके और दिखा दिया, ठीक है चलो रिजल्ट आ गया पूरा, मतलब छिपा के दिखाने वाली बात, कम का ज़्यादा मेजर कर दिया ज़्यादा का कम मेजर कर दिया, ठीक है। तो ये कपटता भी शास्त्र में नहीं है। तीसरा जो है गलती करना, गलती करना हमारा स्वभाव है, सब कुछ होने के बाद कहते हैं एग्जाम में ये तो प्लस छूट गया है माइनस छूट गया गलती हो गई, ठीक है, या जा रहे थे मतलब कहीं पे सफ़र करने के टिकट भूल के घर पे, तो गलती हो जाती है कई बार, कुछ उसका गलती का कोई वजह नहीं होती बस गलती हो जाती है उस ऐसे ही, तो एक तो गलती करना, फिर लास्ट है मोहग्रस्त होना। मोहग्रस्त होना मतलब कि मतलब कई बार होता है कि हम थोड़े भ्रमित हो जाते हैं चीज़ों को देख करके, जैसे दूर से देखते हैं तो हमें लगता है जो दोनों ट्रैक है ट्रेन की वो जुड़ रही है, ठीक है, तो वैसे ही कभी छोटा बच्चा चांद को देखता है तो बोलता है कोई बॉल है या फिर जाने क्या है छोटा सा फल है कुछ, तो मतलब हम भ्रमित हो जाते हैं चीज़ों को देख करके, कहीं ग्लैमर दिखता है तो हम ग्लैमर को देख के भ्रमित हो जाते हैं,
अननेसेसरी अट्रैक्ट हो जाते हैं. जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जो छोटा सा कीड़ा होता है मॉथ बोलते हैं उसको, वो क्या है आग में बहुत ज़्यादा कूदता है, उसको आग बहुत चमकदार नज़र आती है तो आग में फटाफट कूदता है वो, ये तो बहुत चमकीली सी चीज़ है, वो कूदते ही मर जाता है मतलब. और वैसे ही जो है मतलब आजकल के लोगों की हालत हो जाती है, वो चकाचौंध देखते हैं तो सोचते हैं ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, कूद पड़ते थे चकाचौंध में, और पता चला वो सारा उनका काम हो गया. उस चकाचौंध में घुसने से क्या हुआ, उनका उनकी सारी मनी चली गई, सारा पैसा चला गया, समय चला गया, हेल्थ भी चला गया, कुछ बचा नहीं, मतलब सिर्फ खर्च ही खर्च होता है वहाँ पे, कुछ मिलता नहीं है. तो मतलब बिल्कुल, तो हम क्या है भ्रमित हो जाते हैं ऐसी चीज़ें देख करके, ठीक है. तो लेकिन ये वाली त्रुटि जो है शास्त्र में नहीं है. क्यों नहीं है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, जो भी शास्त्र है वो किसने बोला है, वो भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में बोला है, ठीक है. तो इसलिए वो शास्त्र में कोई त्रुटि नहीं है. भगवान परफेक्ट है तो जो परफेक्ट व्यक्ति है कुछ कहेगा तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी. अब इसमें आगे मतलब पूरी वंशावली भी है भगवद गीता के. अब सेकंड थर्ड पेज पे देखोगे इसे पूरी वंशावली बताई गई है कि आगे ज्ञान कैसे जो है वो बढ़ता गया है. जैसे ब्रह्मा जी के पास, फिर नारद के पास आया, नारद से व्यासदेव के पास आया, तो ये पूरा गुरु परंपरा से हमारे तक आया है, ठीक है. जैसे कि हम नॉर्मल किसी सब्जेक्ट के बारे में भी देखते हैं, जैसे मान लो हमें कोई सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, किसी टीचर को अप्रोच करते हैं, उन टीचर ने भी किसी से पढ़ा है, उन्होंने भी किसी से पढ़ा है, वो भी नॉलेज एक तरह से समाउ किसी न किसी डिसिप्लिन सक्सेशन से ही चला आ रहा है, ठीक है. तो वैसे ही तो हम मतलब ये परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए इस ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है. तो इसलिए क्या है, शास्त्र प्रमाणिक है, इसलिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है. तो अभी ऐसा भी देखते हैं कि जो बड़े बड़े मतलब अब हम देखते भी हैं, जैसे हमारे बहुत महान नेता से महात्मा गांधी, वो शास्त्र को वो एज इट इज मतलब शास्त्र के बारे में वो खुद कहते हैं कि भगवद्गीता में जब भी पढ़ता हूँ तो मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाता है. आप लोग भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ज़रूर होएगा समाधान. और अगर खुद समझ में नहीं आया तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करना होगा जो भगवद्गीता समझते हैं, ठीक है. फिर इसमें बताते हैं कि जैसे अब किसी को मान लो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए ना, तो जनरली आध्यात्मिक ज्ञान वाले लोग पता दो तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान को अप्रोच करते हैं. एक तो होते हैं मायावादी ना, जो कि मतलब निराकारवादी कह सकते हैं, वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते. और उनका लक्ष्य क्या होता है, दिव्य ज्योति मतलब भगवान के जो है वो मानते हैं कि एक ब्रह्म ज्योति है ना, उसमें विलीन होना उनका ये लक्ष्य होता है. तो और कुछ लोग जैसे कि जैसे भक्त हैं जो साकारवादी भगवान के क्या कहते हैं कि स्वरूप को मानते हैं, तो भगवान वर्शिप करके वो भगवान की नित्य सेवा में जाना चाहते हैं. तो चाहे वो कोई ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता हो या फिर भगवान की भक्ति को पाना चाहता हो, दोनों के लिए क्या है, दोनों को ही शास्त्र का सहारा लेते ही लेते हैं, ठीक है. दोनों के लिए ही जरूरी है. जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है वही है जो शास्त्र उनको नहीं पड़ेगा. जिसके जीवन का कोई लक्ष्य है, जो किसी तरह की सफलता पाना चाहते हैं, वो शास्त्र का सहारा जरूर लेंगे, लेना ही पड़ेगा, ठीक है. जैसे हम कि योग देखते हैं, योग पद्धति देखते हैं, पतंजलि का योग पद्धति, तो ये एक पतंजलि ऋषि है ना, समाव उनसे ये परवर्ट होके आया है योग पद्धति. ये हठ योग के अंदर आता है, इसके सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है. तो जैसे तो उन्होंने उसको ही आगे प्रोपगेट किया है, ठीक है. उनका लक्ष्य बदल गया है, उस योग का जो लक्ष्य होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था कि खुद को जो है उस योग का लक्ष्य है परमात्मा को आत्मा से जोड़ना. योग का मतलब क्या है, कनेक्ट, जोड़ना, ऐड करना, प्लस करना, ठीक है. तो लेकिन यहाँ पे इसका मतलब बदल गया है. योग का मतलब हो गया शरीर को स्वस्थ रखना. शरीर को स्वस्थ रखना योग का मतलब नहीं है, वो शरीर तो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है, वो उसका साइड प्रोडक्ट है. हम देखते भी कई लोग बहुत समय तक जप करते रहते हैं, तो जप करते करते धीरे धीरे उनकी सारी आदतें अपने आप सुधर जाती है, स्वस्थ रहने लग जाते हैं, समय पर उठेंगे स्वस्थ रहेंगे, फिर सही अच्छे मतलब बैलेंस डाइट लेते हैं स्वस्थ रहते हैं अपने आप. ये सब साइड प्रोडक्ट है, ठीक है, स्वस्थ रहेंगे ही उसमें. और वैसे मैंने बताया, शास्त्र बताते हैं स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए. जो छठे अध्याय में पूरा चीज़ पूरा इसी चीज़ के बारे में वर्णन है, जो जैसे युक्ताहार विहारस्य बोलते हैं, जो बैलेंस खाता है. आप देखो जिनके जो भी अस्वस्थ रहते हैं उनके कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता है, कुछ ना कुछ, या तो वो कम सोते हैं या तो वो ज़्यादा सोते हैं हद से ज़्यादा, या कुछ ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं. जब ये हो सकता है ऐसा, अदरवाइज बीमारी नहीं होने वाली. फिर डॉक्टर से जाके कहते हैं हमें तो कोई ऐसी दवाई दो कि हम खा भी लें ज़्यादा और ये बीमारी भी ना हो, तो वो भी चीट करता है. अच्छा ठीक है, इनको तो मतलब
ये खुद चीट कर रहे हैं अपनी अपनी बॉडी को, तो हम भी थोड़ा चीट कर लेते हैं. तो वो कुछ ऐसी दवाई दे देते हैं जिससे, मतलब उसको बोलते हैं पेन किलर, थोड़ी समय के लिए जो है वो सिम्टम को दबा देता है. उसका लक्षण है दवाई का, मतलब जो बीमारी का लक्षण है वो निकल के नहीं आता. तो उससे लगता है लोगों को नहीं बीमारी ठीक हो गई है, बाद में पता चला कि बड़ी बीमारी हो गई. तो लेकिन क्योंकि अगर शास्त्र के नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमें ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से, और ऐसे में कुछ लोग हमें चीट करने आएंगे. फिर प्रभुपाद कहते भी हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम चीट हो तो चीट करने वाले आ जाएंगे अपने आप ही. हम अगर मतलब अनियंत्रित तरीके से खा रहे हैं, अनियंत्रित तरीके से सो रहे हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं और हमें उससे प्रॉब्लम हो रही है, हम चाह रहे हैं प्रॉब्लम भी ना हो और हम ऐसे अपने हिसाब से रहें, हम जैसे वैसे रहेंगे, किसी को क्या लेना है इससे. अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो फिर ऐसे चीट करने वाले लोग हमारे सामने आएंगे, जो हमें चीट करके जाएंगे, जो बचा खुचा वो भी ले जाएंगे. ठीक है, तो फिर इसमें बताते हैं, अब इसमें ये बताते हैं जो मानव समाज में जो भी मतलब किसी से कोई गलती होती आती है या फिर किसी तरह का पतन हो जाता है कहीं पे, मतलब कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी ये वजह यही है कि लोग जो है वो भगवद विद्या का पालन नहीं करते ढंग से. भगवद विद्या के नियम, जो नियम है उनका पालन नहीं करते. आप ये सोचिए कितने लोग भोग लगा के खाते होंगे. इसमें महाप्रभु शुरू में बताते हैं हमें यज्ञ का अवशेष खाना चाहिए, यानी कि भगवान को भोग लगा के ही खाना है. कितने लोग कैसा करते होंगे अब सोचिए. तो कहते हैं जो नहीं ऐसा करते हैं, जो मतलब शास्त्र, मतलब जो नहीं ऐसा कर रहे हैं, मतलब शास्त्रों को नहीं मान रहे हैं. शास्त्रों को नहीं मान रहे हैं मतलब वो आसुरी प्रवृत्ति में आ रहे हैं फिर तो. ठीक है, तो मतलब इसका मतलब बहुत ज़रूरी है भोग लगाना. जो भी हम खाते हैं भोग लगाना बहुत ज़रूरी है उसका. तो हम ऐसी चीज़ खाएं जिसका भोग लग सकता है. आप देखोगे जिस चीज़ का भोग नहीं लग सकता है वो चीज़ कुछ ना कुछ बीमारी क्रिएट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल टी हो गया, या कॉफ़ी हो गया, या फिर प्याज हो गया, या फिर लहसुन हो गया, जो भी. अब कई लोग कहते हैं कि इनसे बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं. अच्छा, फ़ायदे होते हैं, वो एक फ़ायदा दे जाएगा 10 बीमारी दे जाएगा. ठीक है, तो हमें 10 बीमारी चाहिए, एक फ़ायदा चाहिए, क्या चाहिए मतलब. तो हम ऐसी चीज़ करें जिससे कि मतलब जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो. तो जैसे कि कई सारी चीज़, जैसे कि चाय. कई लोग कहते हैं चाय पीने से हमें नींद नहीं आती, काम ज़्यादा देर तक कर सकते हैं. पढ़ाई, स्टूडेंट भी ऐसा कहते हैं, पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, पढ़ाई करने में ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है. ठीक है, पर क्या है, चाय पीने से क्या होगा, उसका हमारे ब्रेन में रिसेप्टर होता है, वो कैफीन धीरे धीरे जमा होता जाएगा और थोड़े समय के बाद बिल्कुल हेडेक क्रिएट करना शुरू कर देगा. ठीक है, और उस अब कैसे पता लगेगा, वो व्यक्ति चाय के बिना रह ही नहीं सकता फिर, और वो सरदर्द और इतना तेज सरदर्द शुरू कर देगा वो, क्योंकि कैफीन रीज़न होता है सरदर्द का. वैसे ही जैसे कई लोग सोचते कहते हैं कि प्याज खाने से जो है वो क्या होती है कि मतलब ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं. लेकिन प्याज खाने से ऐसा है कि हमारा पहली चीज़ तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो स्लो हो जाती है, मतलब कहीं पे कट गया ना तो खून जमेगा नहीं, फ्लो होता रहेगा, मतलब लेट होगा खून जमने में. प्याज खाने वालों को नींद बहुत ज़्यादा आएगी, ये निश्चित है, गारंटी है. उसके बाद फिर अपने आप बदबू आएगी, उसकी इतनी बदबू आती है उससे. और फिर मतलब ऐसे मतलब उसके आप साइड इफ़ेक्ट आप देखोगे तो साइड इफ़ेक्ट लगेगा उसकी लिस्ट ज़्यादा बड़ी है उसके मतलब अच्छे इफेक्ट से अपने आप. तो भगवान ने ऐसी चीज़ें हमें दी है, वो भगवान को कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने बोला इसलिए है, हमारे लिए बोला है कि मुझे इसी चीज़ का भोग लगाओ. क्यों? क्योंकि जानते हैं जो भोग लगाएंगे वो ये लोग खाएंगे, वही खाएंगे. तो उन्होंने इसलिए ऐसी चीज़ें बैलेंस करके हमारे लिए दी है. ठीक है, ताकि हम जिसका भोग लगा सके, खा सके, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो इसमें वही बताते हैं कि मतलब कई लोग ऐसा देखते हैं कि जो शास्त्रों का बहुत विरोध भी करते हैं, कि मतलब वैदिक ज्ञान का विरोध करते, बोलते वेद, ये शास्त्र, ये सब भगवद गीता, ये सब बहुत पुरानी बात है ना, उसको क्या फॉलो करना. जैसे बताते हैं, आप देखोगे जो लोग सतोगुणी होते हैं, जिनमें थोड़ा सतोगुण अधिक होता है, सतोगुणी कैसे, जो बैलेंस डाइट लेते हैं ना, जो ज़्यादा मिर्ची, ज़्यादा मतलब तीखा, बहुत ज़्यादा खट्टा, ये सब चीज़ें नहीं खाते. तो जो लोग सतोगुणी होते हैं वो शास्त्रों को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, वो आपसे शास्त्र लेंगे भी, पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी, समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जो लोग तमोगुणी होंगे या रजोगुणी होंगे, वो उनको मतलब नहीं रहेगा इतना शास्त्रों से, वो उनको मतलब बड़ी अजीब सी, उनको ऑब्स्ट्रक्शन लगेगा, ये क्या नियम कानून लगा दिया इतना. अब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें तो फ्रीडम का जीवन जीना चाहिए, लाइफ का मतलब फ्रीडम है,
अभी तो यूथ है, अभी क्या इतना नियम कानून लगा रहे हो? लाइफ का मतलब फ्रीडम है, तो ठीक है, नियम कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक के तीनों लाइट वो भी हटा देते हैं, वो भी क्यों है फिर? तो अगर हम ट्रैफिक के तीनों लाइट हटा दें फिर क्या होगा? जितने यूथ हैं वही उतनी डेथ हो जाएगी, डेथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब नियम ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि हम सही तरीके से चल सकें, क्योंकि हमारी बॉडी है इसकी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, हमारा मन है उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, तो उसको उस लिमिटेशन को की मतलब उस लिमिटेशन की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये सारे जो है नियम कानून है ना, जो शास्त्र में बताए हुए हैं, तो इसलिए फॉलो करना ज़रूरी है। अब चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है असर किसी को देर से दिखे, किसी को जल्दी दिख जाए, दिखेगा जरूर असर अदरवाइज, ठीक है। तो अब इसमें वही बताते हैं, तो इसलिए हमें मतलब असलियत में फ्रीडम की लाइफ तो ये है कि आप थोड़ा सा नियम फॉलो करो, जो ये नियम है सांस्कृतिक नियम, ये फॉलो करो अब, और फिर महसूस करो कि असली फ्रीडम की लाइफ तो ये है। कोई टेंशन ही नहीं है, कभी तबीयत ही खराब नहीं होती, जो पढ़ते हैं सब समझ में आ जाता है ना। तो और कोई व्यक्ति, अब जैसे इसमें ये भी है कि कैसे हम किसी व्यक्ति को जज कर सकते हैं, कौन सा व्यक्ति जो है सच बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है, तो कौन सा व्यक्ति सतोगुण में है, कौन सा रजोगुण में बात कर रहा है, तो हम अपनी डीलिंग्स करते हैं लोगों से, तो हम ये भी परख सकते हैं इसमें। तो इससे क्या होगा कि मतलब हम ये देख सकते हैं कि तो शास्त्रों के हिसाब से हम मतलब इसको अगर अप्लाई करेंगे तो हर तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, है ना। कभी तबीयत खराब नहीं होगी, हम लोगों से डील अच्छे से कर पाएंगे, अपनी फैमिली को अच्छे से चला पाएंगे, हमारे बच्चे हमारी बात मानेंगे, तो इसलिए क्या है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है ये, हर तरीके से हेल्पफुल है, ठीक है। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब जो भगवद्गीता के श्लोक जब सीखते हैं या जब पढ़ते हैं, तो थोड़े समय के बाद उनके अंदर बहुत ही मतलब तो अपने आप ही बहुत अच्छे अच्छे जो है वो क्वालिटीज डेवलप हो जाती है। जैसे वो बच्चे बहुत ब्रेव हो जाते हैं, पहली बात तो बहुत बहादुर हो जाते हैं, फिर वो मतलब उनकी मतलब इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से बढ़ती है, सोचने समझने की स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो आपकी आधी हेडेक ख़त्म होगी, वो यही तो चाहिए। उसके बाद वो स्टूडेंट जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी केयर खुद करने लग जाएंगे। अब उनको बस ये शास्त्र दे दो, उनके साथ कृष्ण है इस शास्त्र के रूप में, अब उसको किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसलिए सिखाना ज़रूरी है सबको। तो इसमें बताते हैं इसलिए कि अगर हमें लास्ट में ये चीज़ बताते हैं, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो, इसे बताते हैं मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। क्या दोष हैं? शास्त्र को नहीं मानना। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है ना, मतलब उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का, उपयुक्त मतलब किस चीज़ की नॉलेज चाहिए उसके लिए एक पार्टिकुलर उपयुक्त गुरु, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो और प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक क्यों कि मतलब क्या क्वालिफिकेशन क्या उनकी, तो प्रमाणिक गुरु और उपयुक्त का मार्गदर्शन अगर प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाता है, ऑब्वियस है सफल होगा ही, ठीक है। हम छोटी छोटी चीज़ों में देखते हैं तो बड़ी चीज़ों में भी हो ही जाएगा, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है ना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्या कहते हैं, जैसे हम अपने आसपास में अपने सर्कल में मान लो हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई कोच नहीं है, है ना। क्रिकेट में भी अब देखते हैं कोच चाहिए ना, अगर कोच नहीं हो तो फिर क्या होगा, मतलब ठीक है कितने भी अच्छे प्लेयर्स हो कुछ भी हो सकता है, कोच वहाँ भी रिक्वायर्ड है। तो हम देखते हैं कई बार अगर मान लो कि हमने एक टीम बना ली और हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम हो सकता है आपस में डिस्कशन से कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकता है सीख भी लें, जिसको लोग ग्रुप डिस्कशन यानी GD भी कहते हैं, लेकिन उसमें भी एक जो है वो एक सीनियर मेंबर का होना, इंटरफेयर करना ज़रूरी है, जिनको कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। अदरवाइज क्या है, हम अपनी प्रॉब्लम में कई बार ऐसा होगा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेगी, सॉल्यूशन नज़र ही नहीं आएगा किसी को, क्योंकि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वो हमें कुछ विज़न दिखा सकते हैं। जैसे कुएं में रहने वाला मेढक कभी समुद्र के बारे में एस्टिमेशन नहीं लगा सकता कि समुद्र कितना बड़ा है, तो हम अगर मतलब अपने अपने में सोचेंगे तो हम एक रेंज से बाहर नहीं सोच पाएंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं, अगर उनके शरण में जाते हैं तो हमें एक खास विज़न, खास लक्ष्य दिखाते हैं कि ये है उद्देश्य, तो ये है यहाँ पहुँचना है, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचने का ये रास्ता है।
अब गुरु की सहायता लेने से क्या होता है, कई बार होता है लोग कहते हैं कि हम पढ़ के सीख लेंगे, गुरु का सहायता लेने से ये होता है कि जो रास्ता आसान हो जाता है, वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। अब 10 किताबें पढ़ोगे, पढ़ते जाओगे और फिर इधर उधर से सर्च करोगे, मतलब बहुत फाइट मारो अपने तरीके से, तो इट विल टेक टाइम, बहुत समय लग सकता है इसमें कि आप सही चीज़ तक पहुँचो। हो सकता है इसमें कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें भगवद गीता नहीं पढ़ी, हम पूरा वेद पढ़ेंगे, हमें चारों वेद दो वो पढ़ेंगे। अब पढ़ो वो भी पढ़ो, चारों वेद पढ़ने के लिए जीवन भी होना चाहिए, इतना समय नहीं है, एक दिन में ही समय नहीं मिलता है एक घंटा, तो चारों वेद पढ़ने के लिए समय भी होना चाहिए। पहले वेद पढ़ेंगे फिर उसके निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। तो इसलिए डायरेक्ट जो भगवान ने भगवद गीता दे दी सबको कंपाइल करके, जो यूज़फुल चीज़ है वो लिखी है, आपके काम हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट दे दी भगवद गीता, और ये भी समझ में नहीं आ रही तो आप किसी की गुरु की सहायता लीजिए, ठीक है। तो ये आज का मैं यहीं पे विराम देता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 3-4 मिनट है बचे हुए। सही बात है, डरना चाहिए, अगर पुलिस का डर नहीं होगा चोरों को तो क्या होगा, चोरी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, डरना चाहिए। जैसे टीचर से एक स्टूडेंट डरता है, ये डर जरूरी है, नहीं डरेगा तो क्या करेगा, वो सारे अनुशासन तोड़ेगा। वो डर जरूरी है लेकिन उसके आगे फिर समझ भी होनी चाहिए, वो रिस्पेक्टफुल फेयर होनी चाहिए, लेकिन आगे हमें उसके फिलॉसफी भी समझनी चाहिए कि ठीक है डर है ठीक है, लेकिन डर किस वजह से डराया जा रहा है, डर का मतलब क्या है, क्योंकि उससे आपको नुकसान होने वाला है। ये तो स्पष्ट बात बताई गई, उससे आपको नुकसान होने वाला है। अब ठीक है आप इसको डर समझो चाहे जो समझो, हाँ इसमें अभी मैं जैसा बता रहा था कि जो शास्त्र को लोग, जो लोग नहीं मानते हैं या भगवान को नहीं मानते हैं, तो बेसिकली वो क्या होंगे, जो सतोगुणी लोग होंगे वो शास्त्र को मानेंगे, जो तमोगुण और रजोगुण में है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है मानना शास्त्र को। तो हमें प्रयास करना चाहिए, हमें पहले ये चेक कर सकते हैं वो व्यक्ति तमोगुण में है या सतोगुण में है रजोगुण में है, किस में है, कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके लिए हम अगर भगवद गीता पढ़ेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 17 उसमें ये चीज़ बताते हैं कि जो व्यक्ति तमोगुण में उसके लक्षण क्या है, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा ये व्यक्ति तो तमोगुण में है, इसको इतनी बड़ी बात कहाँ समझ में आएगी, पहले उसको तमोगुण से रजोगुण में लेकर आना पड़ेगा, है ना। तो हमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट उसके लिए फिर क्या कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी होगी कि वो तमोगुण से रजोगुण में तो आए पहले, देन उसके बाद वो सतोगुण में आएगा। कई लोग हम ऐसा देखते हैं जो कि मतलब क्लास में मतलब आना उनको पसंद नहीं है, क्लास सुनना उनको पसंद नहीं है, लेकिन सेवा जरूर करते हैं, कोई एक्टिव सेवा हो ना करेंगे जरूर, क्योंकि थोड़ा मतलब एक्टिव रहना पसंद है उनको, खाली बैठ कर क्लास सुनना उनको पसंद नहीं है। ऑब्वियसली ये सतोगुण का सबसे उच्चतम कार्य है, फिर भी उनको पसंद नहीं है, ठीक है वो सेवा कर रहे हैं और उनका मतलब, या फिर जो सेवा तो वैसे भी दिव्य स्तर पे है, लेकिन फिर भी जो मतलब एक्टिव होना चाहते हैं तो रजोगुण उनका सेटिस्फाई हो जाएगा ग्रेजुअली, क्योंकि वो सेवा में लगे हैं तो प्योरीफाई हो जाएंगे और सतोगुण में आ जाएंगे और मानेंगे शास्त्र को। आप देखोगे जो नास्तिक लोग, कई लोग होते भी हैं लेकिन फिर भी आप उनसे ये कहोगे कि हम जो है जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कहीं करना चाहते हैं आप इसके में थोड़ी मदद कर सकते हैं साथ में, तो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने भी आ जाएंगे। आप देखोगे मतलब अगर कुछ ऐसा कार्य हो जिससे बाकी लोगों का कुछ, जैसे लोक हित का कोई कार्य हो तो उसमें आपकी हेल्प करेंगे वो, भले वो भगवान को बोलेंगे नहीं मानते, तो उसको हमें डोवटेल करना है डिवोशनल सर्विस से, उसका प्योरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।